हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डीबीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखे हुए हैं, मैं एक पोर्टल खोल के यहां पर रखा हूं, जन समर्थ। अब ये जन समर्थ क्या है और इससे फ़ायदा क्या है? देखिए, यहां पर एक ये ऐसी साइट है जहां हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद घर बैठे ऑनलाइन अपनी लोन पास करवा सकते हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट अच्छा है और उसके पूरे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं और बैंक उसे वेरीफाई करता है, तो वो हमें घर बैठे ही यहाँ पर लोन प्रदान करता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हम इसकी साइट पर अगर आपको जाना है तो देखिए, जन समर्थ डॉट इन पर आपको जाना है और यहाँ पर होम पर चले जाना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम। तो जो गवर्नमेंट स्कीम 13 स्कीम अभी बहरहाल चली हुई है, यहाँ पर 4 कैटेगरी में यहाँ आपका लोन पास होगा और 180 यहाँ पर लेंडर हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, एजुकेशन लोन, एग्री इंफ्रा लोन। अब एजुकेशन लोन के लिए आप लोग समझ गए होंगे कि आपको अगर कोई आके की पढ़ाई या इंडिया से बाहर की पढ़ाई करनी है तो आप यहाँ से लोन लेके आप काम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में यहाँ पर क्या करना है कि देखिए, यहाँ पर आपका एग्री में आप लोग भूमि के लिए जो आप फाइनेंस लेना चाहते हो, हार्वेस्ट फसल वगैरह के लिए, बहुत अच्छी अच्छी फसल करनी होती है, हमें बहुत बहुत पैसा लगता है। जैसे मान लीजिए, ये तो सिंपल फसल तो सब लोग करते ही हैं। जैसे मान लीजिए किसी को एक बहुत ही प्री प्लान्ड बिजनेस करनी है एग्रीकल्चर की, तो वो उसके लिए भी हम यहाँ से लोन पास करा सकते हैं खेती पे। अभी बिजनेस के लिए आप लोन करा सकते हैं। व्यवसाय व्यवसाय तो बहुत तरीके के, आप जैसा कि जानते हैं, एक लिवलीहुड लोन होती है, बच्चों के लिए यहाँ पर लोन होती है, जो कि एक हेल्प इंडिविजुअल लोन होती है, जिसमें आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लोग चाहे रूलर से ही, चाहे अर्बन से ही, आपको वहाँ पर लोन मिलती है बच्चों के लिए। अभी यहाँ पर वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द स्कीम। अभी ये स्कीम क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पर टोटल 13 सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम अवेलेबल हैं जन समर्थन पोर्टल पर। तो फ्रेंड्स इसकी प्रोसेस देख लेते हैं, विधि क्या है कि ये लोन पास कैसे होती है। तो देखिए, कुछ यहाँ पर हम ये जो साइड है आपसे प्रश्न पूछेगी और वो आप उसको सही से ही जवाब देंगे, वो सही सुटेबल मैच करेंगे, तो फिर वो आगे नेक्स्ट करने के लिए आपको, मतलब अगले स्टेप को ले जाएंगे। और उस स्टेप पे आपको यहाँ पर कोई जो जैसे डॉक्यूमेंट हैं आपके और जो आपकी बैंक डॉक्यूमेंट वगैरह हैं और जो कुछ भी जो पूछ रहा है, जो कुछ भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, उस सारा प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर इनको फिल करना है, बताना है कि आप लोग कौन से किसके लिए लोन ले रहे हो और क्यों लोन ले रहे हो, आपके पास कितना बजट है, आपने कितना पैसा लगा रखा है और तुम कितनी लोन लेना चाहते हो बैंक से। अब यहाँ पर ने अप्लाई कर दिया लोन के लिए, इसके बाद में गेट डिजिटल अप्रूवल, तो फिर इसके बाद में यहाँ पर जैसे मान लीजिए फॉर्म भर जाएगा, तो इसके बाद में बैंक सेलेक्ट करनी होगी कि भाई किस बैंक से आपको लोन लेनी है। तो आप उसको यहाँ पर 180 लेंडर हैं जो डिजिटल अप्रूव करेंगे आपकी लोन को, और इसके बाद में आप ना जो एप्लीकेशन है उसे ट्रैक करते रहिए कि रियल टाइम में वो कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हम घर बैठ के अपना प्रोजेक्ट बना के लोन को पास करवा सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है और एक ये इनकी बहुत अच्छी पहल है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये एक जो लोन के लिए हमें भागना पड़ता था, बैंकों के पास भटकना पड़ता था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटी रकम हमें रिश्वत के रूप में देनी पड़ती थी, तो वहाँ से हम लोग बचेंगे। ये सारी बैंक जो हैं आपकी, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, ये इंडियन इलाहाबाद बैंक सब्सिडी, ये सभी बैंक यहाँ पर लोन देने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ जनरल से प्रश्न है कि व्हाट इज द जन समर्थन पोर्टल। तो जन समर्थन पोर्टल एक डिजिटल पोर्टल है जो कि यहाँ पर ऑनलाइन जो लोन की सुविधा है उसको प्रोवाइड कराता है। तो उसमें अगला वाला क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई अप्लाई द फोर स्कीम। तो क्या मैं अभी यहाँ पर स्कीम को अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। देर आर 4 लोन कैटेगरीज, उसमें से आप जिस कैटेगरी में आते हो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट? तो इसके लिए, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ईच स्कीम हैज़ डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। तो जो स्कीम में आप अप्लाई कर रहे हो, तो हर एक ही स्कीम में अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो वो आप लोग जब जमा करोगे तो बेसिक डॉक्यूमेंट पूरी सभी जो
यहाँ पर कैटेगरी है उसमें ये तो होना ही चाहिए, जैसे आधार नंबर है, वोटर आईडी है, पैन का नंबर है, बैंक नंबर है, बैंक का स्टेटमेंट है, चेकबुक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए जिससे हम यहाँ पर उसको अपलोड कर सकें। कैन एनी वन अप्लाई फॉर द लोन? तो यस, एनी वन कैन अप्लाई फॉर लोन, फर्स्ट यू नीड टू चेक। तो यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो अगर आप यहाँ पर उसके उपयुक्त हो उस कैटेगरी में। हाउ कैन आई सी माई एप्लीकेशन? तो आप लोग यहाँ पे एक इनका जो, जैसे ही आप लोग अप्लाई कर दोगे तो आप उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, उसको आप लोग क्लिक करके और अपना यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो कि आपकी लोन किस कंडीशन में कहाँ तक पहुँच गई। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर आज हमने बेसिक बात करी है इस चीज़ की। अब हम कल को आपको बताएंगे कि इसमें हम पहले रजिस्टर कैसे होते हैं, इसमें जनसमर्थ जो साइट है उस पर हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और इसके बाद में रजिस्ट्रेशन के बाद में बताएंगे कि हम इसमें फॉर्म फिल कैसे करते हैं और अपनी लोन कैसे पास करवाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और आप अगली आने वाली वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन रखते हैं जिसका मैं समाधान कर सकूं आप कमेंट में करिए। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।